स्वागत है आप सबका इंग्लिश में। आज हम एडजेक्टिव पर बात करेंगे और इसमें आप देख ही रहे हैं हेडिंग फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स हम एडजेक्टिव्स को कहते हैं। और आज जो भी ये सेशन हम ले रहे हैं ये किसी भी एग्जामिनेशन में काम देगा आपको, चाहे वो SSC का एग्जामिनेशन हो, CGL हो, CHSL हो, बैंकिंग का एग्ज़ामिनेशन हो, NDA हो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन। समझ तो आखिर ज़रूरी है ना, समझ तो चाहिए ही। आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझदारी से इसे समझते हैं। मैं डिटेल में बात करूँगा हर एक क्वेश्चन, बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कुछ यूं है, पीपल हैव कार, ओके, एंड ऑप्शंस हैं आपके डिटरमिनर्स के तौर पर अ फ्यू और अ लिटल। कौन सा ऑप्शन आप भरना इसमें पसंद करेंगे? डैश पीपल हैव कार, और बात सिर्फ पसंद की नहीं है बल्कि अप्रोप्रिएटनेस की है कि कौन सा डिटरमिनर अप्रोप्रिएट है। ओके, समझते हैं इसे। डैश पीपल हैव कार, पहली बात, पीपल एक नाउन है और ये एक प्लूरल नाउन है, राइट। अ लिटल क्वांटिटी को शो करने के लिए लिखा जाता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी शोइंग एडजेक्टिव है, क्वांटिटी शोइंग डिटरमिनर है अ लिटल, बट अ फ्यू नंबर शोइंग डिटरमिनर है। अब आप ही सोचें, पीपल की मात्रा बताएंगे या पीपल की संख्या बताएंगे? यस, इट्स क्वाइट सिंपल, क्वांटिटी शोइंग एडजेक्टिव यहाँ नहीं लिख पाएंगे बल्कि अ फ्यू होगा। बस थोड़ी सी समझ है और ये अब करेक्ट है। अ फ्यू पीपल हैव कार, कुछ लोगों के पास गाड़ी है, कार है। ध्यान रखें अ फ्यू एक ही एडजेक्टिव है और अ फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आया करता है, ओके, और पीपल प्लूरल नाउन है, दिखने में सिंगुलर लगता है क्योंकि इसके अंत में एस नहीं लिखा है, नहीं लगा है, देखने में लगेगा सिंगुलर नाउन लेकिन प्लूरल है ये फंक्शन में। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन कुछ यूं है, गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड, गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर, ओके, एंड अगेन वी हैव सेम ऑप्शंस, अ फ्यू एंड अ लिटल, विच वन इज द अप्रोप्रिएट वन, वी हैव टू डिसाइड इट फर्स्ट। व्हाट इज द टेक्निक कि हम कैसे डिसाइड करें कौन सा यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन? गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर, मुझे थोड़ा वक्त दो इस विषय को समझने के लिए, इस विषय को निर्णय तक पहुँचाने के लिए। गिव मी सम टाइम, तो सम के ही सेंस में हमें लिखना है, सम मतलब भी कुछ, अ लिटल मतलब भी कुछ, अ फ्यू मतलब भी कुछ, बट यहाँ कौन सा होगा? गौर करें, डैश के बाद हमें हमेशा नाउन देखना है कि कौन सा नाउन लिखा है, टाइम लिखा है, टाइम ये नाउन एक सिंगुलर नाउन है, और ध्यान रहे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने पिछले क्वेश्चन में जानकर बात नहीं किया कि पीपल ये जो नाउन है कौन सा नाउन है, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन, ओके, और यहाँ जो आप टाइम देख रहे हैं ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम अनकाउंट नाउन भी कहते हैं। कैसा नाउन है ये? अनकाउंट नाउन, ओके, और अनकाउंट नाउन की मीनिंग होती है
कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसमें गिनती की सेंस, गिनती की समझ नहीं होती है। तो हम वैसे नाउन, वैसी संज्ञा की मात्रा बता सकते हैं सिर्फ। इसलिए मात्रा बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाला डिटरमिनर अ लिटल है, अ फ्यू नहीं, इसलिए यहाँ अ लिटल करेक्ट होगा। गिव मी अ लिटल टाइम टू डिसाइड द मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड इट इज द थर्ड क्वेश्चन वी हैव। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, डेली इज डैश फ्रॉम चेन्नई देन कलकत्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। और ऑप्शंस हमारे पास फर्दर एंड फार्दर। गौर करेंगे आप, फर्दर एंड फार्दर, द डिफरेंस इज ऑफ यू एंड ए। दिल्ली इज डैश फ्रॉम चेन्नई देन कलकत्ता। फर्दर मतलब होता है एडिशनल, ओके, अतिरिक्त जिसको आप कहते हैं। जैसे लेट्स सी द फर्दर डिसीजन, ठीक है, अगले निर्णय को देखते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द फर्दर डिसीजन ऑफ हिम, कि यह बात उसके अगले निर्णय पर डिपेंड करती है। फर्दर मीन्स एडिशनल। हम कहते हैं ना, ओके ठीक है चलो फर्दर फिर बात करते हैं, मीन्स एडिशनली फिर कभी बात करते हैं। और फर्दर ये वर्ड बना है फार से, आसान है। फार मीन्स दूर, और दूर से भी और दूर, जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, तो ई आर लगाते हैं। तो फार वर्ड से ही बना है कंपैरेटिव डिग्री फर्दर, यानी ये दूरी की समझ देता है, इससे हम दूरी बताते हैं किसी चीज़ की। तो कहा जा रहा है कि यहाँ दिल्ली है और यहाँ चेन्नई है और यहाँ कलकत्ता है। आप मुझे खुद सोच कर बताएं कि दिल्ली कलकत्ता से ज़्यादा दूर है या चेन्नई से ज़्यादा दूर है। जाहिर सी बात है दिल्ली कलकत्ता से नज़दीक है और चेन्नई से दूर है, यानी दिल्ली कलकत्ता से जितना दूर है उससे ज़्यादा दूर चेन्नई से है दिल्ली, राइट। यही बात सेंटेंस में कही गई है कि दिल्ली इज़ फार्दर, दूरी का सेंस है, दूरी की समझ है, फार की बात होगी इसलिए फार्दर लिखेंगे। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम चेन्नई दैन कलकत्ता, और फार्दर इसलिए कॉम्पेरेटिव डिग्री इसलिए क्योंकि दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन है, ओके। दिल्ली से चेन्नई के बीच कंपैरिजन है, दो चीज़। दिल्ली से कलकत्ता के बीच कंपैरिजन है, दो चीज़। और दो चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री। और डिग्रीज़ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों की होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द क्वेश्चन इज ही इज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एसएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्लर्कल एग्जामिनेशन भी आपके आते हैं ये क्वेश्चन। ही इज सीनियर डैश मी एंड योर ऑप्शंस इज, ऑप्शंस आर, आई एम सो सॉरी, योर ऑप्शंस आर देन एंड टू। या तो हम देन भर सकते हैं या तो हम टू लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, फास्टर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, मोर ब्यूटिफुल देन, ओके, फैटर देन, हॉटर देन, लाइक दिस। एंड टू भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, और हाँ यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है। सीनियर एक कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल में आने वाला एडजेक्टिव है, यानी ये कंपैरिजन दिखाता है, लेकिन सीनियर नॉर्मल एडजेक्टिव जैसा कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और नॉर्मल एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री जैसा बिहेव नहीं करता है कि ये अपने बाद दैन लेने लगे। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद दैन नहीं लेते कंपैरिजन दिखाने के लिए, बल्कि टू लेते हैं। उन एडजेक्टिव्स में से
मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, जैसे सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर, प्रेफर। प्रेफर एक वर्ब है और इससे एडजेक्टिव क्या बनेगा? प्रेफरेबल। तो प्रेफरेबल, तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम कंपैरिजन दिखाने के लिए टू लगाते हैं, ना कि दैन। सो ही इज़ सीनियर दैन मी, ये कहना गलत होगा। ही इज़ सीनियर टू मी, दिस इज़ राइट। ही इज़ जूनियर टू मी, दिस इज़ राइट। हे, यू आर जूनियर टू मी, बिहेव योरसेल्फ। तुम मुझसे छोटे हो, तमीज़ में रहो। तो कुछ ऐसी बातें हम कहेंगे। तो यू आर जूनियर टू मी, दिस इज़ राइट, नहीं कि यू आर जूनियर दैन मी। अंडरस्टूड? ओके, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आई रिस्पेक्ट योर पेशेंस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन है, देर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। ओके, एंड ऑप्शंस आर सम एंड एनी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इसमें भी फिर गौर करेंगे आप। सम का इस्तेमाल जनरली एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस, ये वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, समझ लें आप, और इन वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप है, गौर किया आपने, यानी ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है कहीं भी। लेकिन जनरली एनी का इस्तेमाल, मान लें कि हमने शब्द लिखा और हमने उसके बाद नॉट लगाया, फिर से हमने कुछ शब्द लिखा और यह फुल स्टॉप है, यानी या तो नेगेटिव सेंटेंस, नॉट वाला सेंटेंस, या तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। ध्यान रहे, यहाँ पर फुल स्टॉप मैंने जानकर लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव में तो फुल स्टॉप होगा ना, एक फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन मार्क, यानी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आमतौर पर एनी का इस्तेमाल होता है, ओके, लेकिन सम का इस्तेमाल फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में होता है, दैट इज़ एफर्मेटिव सेंटेंस, विदाउट नॉट वाला सेंटेंस, ऐसा समझें। अब गौर करें पहली बात कि यहाँ तो फुल स्टॉप है और ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है फर्स्ट इस सेंटेंस में, दूसरा आर के बाद कहीं भी नॉट नहीं लिखा है, राइट, यानी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, जाहिर सी बात हो गई सम होगा। सम मतलब भी कुछ, एनी मतलब भी कुछ, लेकिन किस सेंस में? एनी कहाँ लगेगा? एनी नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, लेकिन सम एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, इसलिए हम कहेंगे देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, कि कमरे से बाहर कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे कमरे से बाहर हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है, आप समझ रहे हैं, मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आप सीखते भी हैं, इसीलिए आप इसी तरह बने रहें, उत्साहित रहें हमेशा, ऑलवेज बी स्पिरिटेड, सीखेंगे तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, हैव यू डैश डाउट, या कुछ लोग यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू डैश क्वेश्चन, चलिए ये भी हम लिख लेते हैं, हैव यू डैश क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क है, देख लिया ना आपने, क्वेश्चन मार्क है, माइंड इट। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, सम एंड एनी, सम, यस, वेरी गुड, आपने तो देखते देखते ही बना लिया। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेशन दिखाने के लिए हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सम का नहीं। तो हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी आइडिया, हैव यू एनी क्वेश्चन, सुना भी आपने, लेकिन सुनने के बाद आज आपने इसके रूल जाने, आज आपने इसका तरीका जाना कि ओ
इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ए नहीं लगता है, यही रूल है। अच्छा, आज आपने रूल जाना, आज आपने इसके लॉजिक जाने, यही चीज़ याद रखें आप। सो एनी इज़ करेक्ट, नॉट सम, बिकॉज सम डज नॉट गो विद एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सम इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं जाता है, नहीं इस्तेमाल होता है आम तौर पर। मैं बार बार कह रहा हूँ आम तौर पर, ये कहने की मीनिंग है कि ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं सम का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। यस, होता है, बताऊँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब आप इसी तरह से बने रहेंगे और अपने कमेंट ज़रूर लिखते रहें, अपना सजेशन ज़रूर लिखते रहें कि आपको क्या सीखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी डैश वाटर। ओके, अगेन इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड वी हैव द सेम ऑप्शंस लाइक सम एंड एनी। आंसर भी आ गया होगा आपका, प्लीज़ गिव मी डैश वाटर, रिक्वेस्ट है। आप देखें फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, कहीं भी नॉट का इस्तेमाल नहीं है, यानी ना तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेशन नहीं है, इंटरोगेटिव मार्क नहीं है इसमें, और ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी सीधी सी बात है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में सम का इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेशन दिखाने के लिए सम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, कृपया कर मुझे थोड़ा पानी दें। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, नहीं कहेंगे हम प्लीज़ गिव मी एनी वाटर, राइट? एब्सर्ड लगता है, इट मेक्स नो सेंस, मीनिंग ही नहीं आती है। प्लीज़ गिव मी एनी वाटर लगता है क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज़ हेल्प मी, दिस इज़ द टेक्निक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। The question is, has he bought dash for her? And question है यहाँ, आपने गौर कर लिया होगा, और options ठीक पिछले ही options हैं, some and any। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात इसे पढ़ेंगे, Has he bought dash dress for her? क्वेश्चन है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। यस, सामने ही आंसर है, ए नहीं होगा, लेकिन ठहरेंगे, तरीकों को समझेंगे, जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। Has he bought any dress for her? Has he bought some dress for her? अगर आप गौर करें, चले मैं यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस के साथ आपको तरीके समझाता हूँ, इसकी समझ देता हूँ। हैज़ ई बॉट एनी ड्रेस फॉर हर, एक्चुअली करेक्ट तो भी एनी है, लेकिन अगर आप सम लिखते हैं तो सम कैसे सही होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में सही होगा, किस संदर्भ में सही होगा, हमें यह समझना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सवाल करें और अगला आपको जवाब हाँ में दे, यानी जब आप अपने सवाल के बदले हाँ की उम्मीद करते हैं अगले से, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, डू यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? डू यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? आप पैसे मांग ही रहे हैं कि आपको हाँ की उम्मीद है, खुद सोच कर देखें, आप पैसे मांग ही क्यों रहे हैं कि आपको मिल जाए? आप पैसे इसलिए मांग रहे हैं कि वो हाँ कहेगा, ताकि वो हाँ कहे, अब इसलिए मांग रहा है, यानी हाँ की उम्मीद से आप पैसे मांग रहे हैं, यानी हाँ की उम्मीद से आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, कुछ मुझे पैसे उधार दोगे। तो इस सेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डू यू हैव सम रुपीज टू गिव मी, क्या कुछ रुपए हैं तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? डू यू हैव सम रुपीज टू गिव टू दिस बेगर, कि कुछ रुपए हैं तुम्हारे पास इस भिखारी को देने के लिए? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ उसके पास पैसे होंगे और वो हाँ कहे, इसलिए मैं सम कह रहा हूँ, एनी नहीं। लेकिन
नॉर्मल सेंटेंस में इंटरोगेशन जब आप देखें, क्वेश्चन जब आप देखें, तो एनी का इस्तेमाल करें, यहाँ पर सम का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनने की बात है, तो एनी फर्स्ट साइट में आंसर यही होगा। ओके, जबकि सम भी करेक्ट है, बट इन स्पेशल कंडीशन, बट इन सम स्पेशल सिचुएशन, ओके, इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, किसी खास संदर्भ में। वो संदर्भ नहीं दिया है, सम नहीं लिखेंगे। हैज़ ही बॉट एनी ड्रेस फॉर हर, क्या उसने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का, और अंत में देखेंगे आप कि ये कैसा सेंटेंस बन गया है। स्ट्रक्चर देखा आपने, सब्जेक्ट कांट क्या है, वर्ब, यानी एक नॉर्मल सा सेंटेंस ये लग रहा है। ही कांट फाइंड डैश बनाना ट्री, ओके, फुल स्टॉप। मैं दोनों ही तरीके से इसे बताऊंगा, एक में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके और एक में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करके। आइए समझते हैं इसे। ही कांट फाइंड डैश बनाना ट्री, वह कोई भी केले का वृक्ष, केले का तो वृक्ष नहीं होगा, हालांकि प्लांट होना चाहिए, पौधा होता है केले का, खैर, वह कोई भी केले का पौधा नहीं खोज पाएगा, कोई भी। यह मैं क्या कह रहा हूँ, एनी। क्यों एनी कहूँगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में लिखा हुआ है, कांट लिखा, यानी कि निगेशन की बात है, नेगेटिव सेंटेंस है, कैन नॉट लिखा है, और नॉट वाले सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी लिखते, सम का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि हमें इंग्लिश ग्रामर बताता है। ही कांट फाइंड एनी बनाना ट्री, वह कोई भी केले का पौधा नहीं खोज पाएगा, नहीं खोज सकता है। ही कांट फाइंड एनी बनाना ट्री। अगर मैं इसे क्वेश्चन में बदल दूं, ओके, ही कांट फाइंड एनी बनाना ट्री, तो क्वेश्चन करने वक्त आवाज़ ऊपर जाती है आखिर में, तो आप देखें सवाल का ही लहजा है बोलने में। ही कांट फाइंड एनी बनाना ट्री, क्या वह कोई भी केले का पौधा नहीं खोज सकता है, तो मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ और नॉट भी लगा रहा हूँ, तो एनी तो होना ही है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10th, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई क्वेश्चन इज, शी हैज डैश क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आया है और हमारे ऑप्शंस सेम है, सम एंड इन। यस, इट्स क्वाइट सिंपल, विल गो विथ सम। शी हैज सम क्लॉथ्स, उसके पास कुछ कपड़े हैं पहनने के लिए। नॉर्मल सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी नॉट का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है। फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड विद द एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हम लिखते हैं इसके साथ सम। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और अब इंग्लिश शो को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा लग जाता है तो इसे आप आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मैं लाइव आ सकूं और आप सबकी खिदमत में कुछ अच्छा बता सकूं। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ टू हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।